नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल घूम लो में। तो अभी मैं मेरे घर के सामने खड़ा हूँ और बारिश अभी अभी थमी है। बारिश बहुत तेज़ आ रही थी 4-5 दिन से, पूरी रात आज बारिश आ रही थी। तो अब मैं चल रहा हूँ महालेश्वर महादेव, जहाँ बहुत ही बड़ा अपन झरना देखेंगे। और आज श्रावण का महीना है और सोमवार भी है, तो वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ मिल सकती है। मेरे साथ है मेरे दोस्त कैलाश जी, बाइक लेकर निकल रहे हैं हम। बताना चाहता हूँ, यहाँ बारिश का मौसम है और प्लांटेशन का काम बहुत तेज़ी से लोग कर रहे हैं, जो जागरूक लोग हैं। तो यहाँ पर रास्ते में आपको बहुत सारी नर्सरियाँ दिखेंगी, तो यहाँ से आप पेड़ खरीद सकते हैं और प्रकृति को बचा सकते हैं। तो ये आपको मैंने सारे तरफ देख लिया, देखो इधर उधर और पीछे बहुत सारी 5-10 नर्सरियाँ हैं। पेट्रोल डलाने, ये पेट्रोल पंप आ गया है और हम डला लेते हैं मोदी जी का बहुत ही सस्ता पेट्रोल। इतना सस्ता पेट्रोल हमने ज़िंदगी में नहीं खरीदा, वो आज हम खरीद लेते हैं। हम यहाँ पहुँच गए महार गांव में, तो अब हम चलेंगे बाईं तरफ। हमारे पेड़ देख रहे हैं बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और इससे बाईं तरफ चलेंगे तो हम स्थान में पहुँच जाएंगे महालेश्वर महादेव, जहाँ बहुत बड़ा झरना है। आ जाइए कैलाश जी। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आज है सोमवार। तो सोमवार को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि ये शिवजी का स्थान है।
और सावन का महीना, तो आप देख लो कितनी खतरनाक है। और ये तो अभी ऐसा माहौल है कोरोना का, नहीं तो इससे 10 गुना यहाँ पे भीड़ रहती है। हम बढ़ रहे हैं इस ट्रैफिक में। दोस्तों एक चीज़ मुझे और बतानी है कि जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वो यहाँ देख रहे हैं आप, बड़े बड़े बरगद के पेड़, इन्हीं बरगद के पेड़ों पे और आसपास की जो पुरानी बिल्डिंगें दिख रही हैं, यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो लोगों का नाम आता है वो है करण अर्जुन और उसके अलावा बंटवारा। तो इस तरह बहुत सारी फिल्में, कोयला और इस तरह बहुत सारी फिल्मों का, मूवीज़ का इस लोकेशन पर शूट हुआ है और इसके आसपास की लोकेशन पर। तो आप इसको अच्छे से देखिए। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आज हो रही है ख़तरनाक भीड़ और देख रहे हैं यहाँ का ट्रैफिक और मेले जैसा माहौल। हम पूरे ट्रैफिक से निकल के थोड़ा आगे आधी दूर में आ गए हैं और अब चल रहे हैं वापस। फिर भी इतनी तेज़ बारिश नहीं है कैलाश जी, क्योंकि यहाँ भी कितना ख़तरनाक पानी आता था वो आज बिल्कुल नहीं दिख रहा है, जबकि 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है अपने यहाँ। यहाँ खजूर के पेड़, ये वही स्थान है जहाँ काफ़ी बड़ी चट्टान गिर गई थी, लोग मर गए थे 5-10 साल पहले। आगे लगाना पड़ेगा।
थोड़ा झरना बह रहा है। वैसे तो बहुत जब बारिश तेज आती है तो यहाँ पे झरना बहुत खतरनाक बहता है, ये फुल हो जाता है। ऊपर जाके देखेंगे झरना कैसा बह रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे झरने में लोग किस तरह से नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मैं आपको थोड़ा पास से नज़दीक से लेके जाता हूँ अपन झरने के और पास चलते हैं। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है शिव मंदिर, श्री मालेश्वर नाथ महादेव का मंदिर। मैं आपको और भी पास में झरने का लेके चल रहा हूँ। वाकई में ये कोई वाटर पार्क से कम नहीं है। यहाँ पे आप पानी के बहुत ही मस्त एंजॉय कर सकते हैं।
आपने चारों तरफ देखा होगा कैसा माहौल है, कैसा शानदार नज़ारा है और बहुत शानदार झरना बह रहा है। लोग किस तरह से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, माहौल काफ़ी खूबसूरत है और मेरे ख्याल से कम 5-10 हज़ार लोग आज आए हैं, क्योंकि माहौल इतना शानदार है और मैं शानदार वर्ड का बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये है इतना शानदार। और अब मैं इससे आगे आपको जैसे झरना दिखा दिया अभी, और झरने के बाद भी अब मंदिर की ओर चलते हैं और वहाँ से आपको मंदिर की कुछ और फुटेज निकाल के आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों इस समय मैं जो खड़ा हूँ वो मतलब कि यहाँ पे किचन है और यहाँ पे लोग मतलब पिकनिक स्पॉट में खाना बनाते हैं और यहीं पे खाते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। राइट हैंड में देखेंगे मेरे यहाँ पे, आप कैला जी दिखाइए धीरे से, तो राइट हैंड में पुराना फोर्ट है, किला है और ये किला हमेशा बंद रहता है। तो और यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ जिधर जिधर ये नदी बहती है उसके आसपास चारों तरफ खजूर के वृक्ष हैं, आपको यहाँ इसमें दिख जाएंगे, जूम करके आप कैला जी दिखा सकते हैं। तो जो खजूर के वृक्ष आपको चारों तरफ जैसे ये नदी जो बहती है बारिश की, तो खजूर का वृक्ष है। और वहाँ पे आप वो देखिए वाइट वाला वो मंदिर लक्ष्मीनारायण का मंदिर था शायद, और उधर से ही हम आए थे। और इस साइड में पार्किंग, यहाँ की गोट करने की किचन भी आपको दिखा देता हूँ। मैं इधर से जा रहा हूँ, अगर कोई बनाते हुए नज़र आएगा तो मैं आपको उसकी वीडियो बताता हूँ। वैसे यहाँ पे कोई आज तो कुछ किचन नहीं है, आज सिर्फ लोग घूमने ही आए हैं। बाकी आप यहाँ देखो बहुत लंबा चौड़ा हॉल है और यहाँ पे दोनों साइड में लोग खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, और इसके पीछे किचन है, उधर से आपको दिखाता हूँ। लोग किस तरह से यहाँ पे गोट करते हैं कि खाना तैयार होता है, दाल बाटी चूरमा। हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, इधर से चलते हैं। साइड में रहोगे इलाज,
मंदिर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। दोस्तों ये है राम मंदिर और अभी हमने आपको दिखाया था इसके जस्ट पीछे शिव मंदिर। तो ये है यहाँ का प्रसिद्ध भगवान शिव का मालेश्वर धाम, मालेश्वर महादेव शिव मंदिर। दोस्तों इस शिवलिंग की ये खास बात है कि ये शिवलिंग साल भर अपना मूवमेंट एक पर्टिकुलर स्पेस से थोड़ा सा मूव करता है।
झरना देख के नहाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन हम कुछ कपड़े वगैरह नहीं लाए, एक्स्ट्रा टॉवल वगैरह, तो आज हम नहीं नहाएंगे। लेकिन बारिश का मौसम है तो हम फिर से आ जाएंगे। और यहाँ पे है स्नेक चार्मर, भाई दे जाए ना किन तो से जाए। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आपको? आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और यहाँ का झरना तो बहुत ही आपको मतलब कि लग रहा होगा कि आज हम भी यहाँ पे आ जाएं और मौसम का आनंद लें। जी हाँ, हर साल यहाँ पर सावन के मौसम में इसी तरह से ख़तरनाक ज़बरदस्त मौसम रहता है और काफ़ी गैदरिंग रहती है यहाँ पर। और मैंने आपको सारा यहाँ की लोकेशन के बारे में बताया है, और जयपुर से मात्र ओनली 45 किलोमीटर ही है। तो आप कभी भी बारिश के मौसम में आ सकते हैं, सावन के मौसम में यहाँ भरपूर रौनक रहती है। और अब मैं दोस्तों इजाज़त लेता हूँ, तो वीडियो एंड करने से पहले एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे आप सब और शेयर करेंगे। और जो मेरे फ्रेंड्स आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, घूम लो चैनल पे जो पहली बार आ रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाइए। जी हाँ, मुझे आज इस वीडियो से आप सबसे 1,00,000 व्यू चाहिए और लाइक्स चाहिए। तो दोस्तों देखें, आप भोले के नाम पे, शिव जी के नाम पे आप कितने लाइक्स मुझे देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।